नमस्ते बच्चों, आप सभी का MS हीरोपटी स्कूल ग्रुप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे SDMC के बारे में। SDMC ग्रुप जो है यह इसके लिए है, इसके क्या काम है, इसके क्या विचार हैं, उद्देश्य क्या है, इन सभी को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानें कि SDMC जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। SDMC का फुल फॉर्म हुआ स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है यह ग्रुप या संस्था जो भी कह सकते हैं, ये बिहार और बिहार के बाहर सभी राज्यों में जो है लागू है, खासकर सरकारी स्कूल में और बहुत सारे जगहों पर प्राइवेट स्कूलों में। SDMC का काम है, हमारा बिहार राज्य है हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाका, इसके अलावा भूकंप प्रभावित इलाका और भी अन्य बहुत सारे प्राकृतिक आपदा, आग लगना या अन्य सभी, इन सभी में ये सभी छात्र छात्राओं को जागरूक करते हैं, इसकी हानियां बताते हैं और उसके बाद उसका उपाय भी बताते हैं। बाढ़ से कैसे बचें, बाढ़ के समय कैसे उपचार किया जाए, भूकंप में कैसे बचा जाए, भूकंप आने से पहले क्या किया जाए, भूकंप आने के बाद कैसे बचा जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इन सब बातों के अलावा SDMC जो है स्कूल परिसर में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और जैसा कि आपने मैंने लिस्ट भेजा है अभी 30 ग्रुप का जो है, हमारा 30 मेंबर का जो ये ग्रुप है SDMC, इसमें सभी लोग एक्टिव हैं, जिसके कैप्टन जो हैं बॉयज से सोहित कुमार क्लास 8 और गर्ल से मीना कुमारी क्लास 8। वृक्षारोपण करना स्कूल में, अभी 9th और 10th का बिल्डिंग बनने के कारण वृक्षारोपण सही से नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वृक्षारोपण में भी वो सजग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लंच के समय अन्य स्कूलों में जहां अफरा तफरी का माहौल बना रहता है, वहीं पर SDMC के सदस्य ग्रुप बनाकर, कमेटी बना करके बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ देखते हैं। हैंड वॉश से सबका हाथ धुलाना, ताकि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो मिशन है वो सफल हो सके। बच्चों को पंक्ति में बैठाना, सबको बारी बारी से हाथ धुलवाना, बर्तन धुलवाना और शांतिपूर्वक क्लास में सबको भेजना, इन सब कार्यों को बहुत ही सुदृढ़ता से SDMC कर रही है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि SDMC जो है, जो मन में आएगी वो करेगी, SDMC जो है बहुत ज़्यादा मनमानी करती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, SDMC मनमानी नहीं करती। SDMC सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों के भलाई के लिए काम करती है, और SDMC से उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है, छात्र छात्राओं को जो विद्यालय ना आते। कभी कभार विद्यालय आए, पढ़े या नहीं पढ़े उनसे कोई लेना देना नहीं, एज ए पिकनिक मनाने के लिए विद्यालय आए, और जब उन्हें व्यवस्था में ढाला जाता है तो उन्हें समस्या हो जाती है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि SDMC के जो कार्य हैं वो आपके लिए हैं, वो अपने लिए नहीं, ये सब आपके भले के लिए हैं, इसलिए उनका सहयोग जो है अच्छी तरह से मिलजुल कर करें, तभी हमारा स्कूल जो है सुंदर स्वस्थ और अच्छा बनेगा, और हमारे सभी छात्र छात्र जो हैं देश के लिए भविष्य में आगे अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।